शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफर करके हम एक गांव में आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी और मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग्य पर रो रही थी, इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी, बस बैठी रो रही थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वो एकदम मुझे गवार सा लगा। उसका रंग थोड़ा सांवला था। वो मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बहुत बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आंख न भा रहा था और वो मुझसे कहने लगा कि मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया और कहा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग सा उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी बात की कोई उम्मीद नहीं थी क्योंकि मेरा दिमाग बहुत खराब था। मेरे माता पिता ने लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में की थी। मेरे मना करने पर मम्मी पापा ने कहा था, लड़का बहुत अच्छा है, अपनी जमीन पर खेती करता है, अच्छे खानदान से है, कमाता भी अच्छा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी बस अच्छी कमाई और अच्छे खानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे वश में नहीं थे। जी चाह रहा था कि अपने पति सूरज पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। वो बोला, क्या हुआ तुम्हें सपना, तुम ठीक तो हो और क्या बोल रही हो? मैंने कहा कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे मुँह लगने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। जाओ पहले अपने आप को जाकर शीशे में देखो, फिर बात करना। ना पढ़े लिखे हो और ना देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने न जाने तुम में क्या देखा जो मेरी जिंदगी खराब कर दी। ये सब बोलकर मैं रोने लगी। वो चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया। मैंने रोते हुए कहा, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वो हक्का बक्का रह गया और बोला, सपना तुम्हें क्या बकवास कर रही हो, तुम होश में तो हो? मैंने बोला, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो तुमसे हजार गुना अच्छा है, स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। यह सुनकर उसकी आँखें नम हो गई और वह बाहर चला गया। मगर ये सच था, मैं एक लड़के से प्यार करती थी जो मेरे कॉलेज का ही था। कुछ दिन हम मिले और फोन नंबर एक्सचेंज किए और फिर हम दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं अभी भी अपने किस्मत पर रो रही थी। कुछ देर बाद सूरज वापस रूम में आया। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी और पूरा चेहरा पानी से गीला था। वो शायद रो कर आया था। उसने एक चादर उठाई और नीचे लेट गया। मैंने भी अपने कपड़े बदले और ईश्वर का धन्यवाद किया और बेड पर लेटकर सो गई। काफ़ी दिन यूं ही बीत गए। ना मैंने सूरज से कोई बात की और ना सूरज ने मुझसे कोई बात की। वो दिन निकलते ही खेतों में चला जाता। शाम में थक हार कर जब वापस आता, उसके कपड़े मिट्टी और खाद से मैले और पसीने में पूरा भीगा रहता था, जिसको देखकर मुझे बहुत घिन आती थी। मैं बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती और मुंह फेर लेती थी। मुझे देखकर वो कमरे में चला जाता था और नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी ये थी कि मुझे सबके साथ बैठकर खाना खाना पड़ता था। मेरे ससुराल में सब एक साथ बैठकर खाना खाते थे, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों में आधी रोटी खाकर उठ जाती। सूरज शायद ये समझ गया था कि मैं उनके साथ बैठकर खाना नहीं खा पाती, इसीलिए अब खुद वो आधी रोटी खाकर उठ जाता और मैं भर पेट खाना खाती। मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि सूरज सारा दिन खेतों में मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है तो उसे भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता। मैं तो बस अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में ही सारा दिन सोचती रहती
और अपनी मोहब्बत अपने दीपक के बारे में ही सोचती रहती। मेरे पास जो फोन था वो मेरी मम्मी ने वापस ले लिया था, क्योंकि यहाँ बहू बेटियों को फोन रखने का रीति रिवाज नहीं था। जब उसे रहा नहीं गया तो मैंने सारी शर्म लिहाज छोड़कर सूरज से फोन मांगा और बोला कि मुझे दीपक से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो आश्चर्य से मेरी ओर देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया और दीपक का नंबर डायल कर बात करने लगी। जब मैंने दीपक से बात की तो वो भी मेरी वजह से बहुत परेशान था। मैंने उसे रोते हुए सारी बात बताई। सूरज मेरे पास ही था और इस बात का भी मुझे कोई एहसास नहीं था। उसने चुपचाप अपनी चादर जमीन पर बिछाई और लेट गया। अब तो ये मेरा रोज का काम हो गया था। मैं सूरज से फोन लेती और दीपक से बातें करने लगती। दीपक मुझे अभी भी अपनाने को तैयार था। एक दिन कमरे के अंदर नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई थी। सब सो गए थे और सूरज भी सो गया था। मैं बाहर खड़ी दीपक से बात कर रही थी कि अचानक पीछे से मेरे देवर ने आकर मुझसे फोन छीन लिया और बोला, बेशरम औरत, पति के होते हुए यार बना रखे हैं, शर्म नहीं आती जरा भी। पता नहीं वो कब से मेरी बात सुन रहा था। वो खूब जोर जोर से मुझ पर चिल्लाने लगा। धीरे धीरे सब लोग अपने कमरे से निकल कर आ गए और सूरज भी आँख मलते हुए आया और तेज आवाज में बोला, क्या हुआ, क्या बात है, इतनी रात को क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सब मुझे हैरानी से देखने लगे, लेकिन मैं मन ही मन खुश सो रही थी, क्योंकि इनको सारी सच्चाई का पता लग चुका था। अब यह मुझे मेरे घर भेज देंगे और फिर मैं दीपक से शादी कर लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सूरज ने अपने भाई को ही झूठा साबित कर दिया। बोला, मुझे मेरे पत्नी पर पूरा विश्वास है, यह ऐसा कुछ नहीं करेगी और यह अपनी सहेली से बात करती है, इसने मुझे पहले ही बता रखा है। यह बोलकर उसने सारी बात खत्म कर दी और सब अपने कमरे में चले गए। मैं और सूरज भी अपने कमरे में आ गए और मैं कमरे में आते ही सूरज से लड़ने लगी, क्योंकि मुझे इस पर और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं बोलने लगी कि अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम सब जानते हो मैं किससे बात करती हूँ और आज सबको पता लग ही गया था। तुम मुझे इस घर से निकाल सकते थे, फिर मेरे मम्मी पापा को मजबूर होकर मेरी शादी दीपक से करनी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इस बकवास ने मेरे रास्ते बंद कर दिए। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्योंकि मम्मी पापा की वजह से मैं खुद कुछ नहीं कर सकती थी। अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूं तो तब भी मैं तुम पर कोई इल्ज़ाम बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत मेरी भी इज्जत है। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत के साथ अपनाने को तैयार है तो 2-3 दिन में मैं खुद तुम्हें उसके पास लेकर जाऊंगा। उससे बात करके खुद पर सारा इल्ज़ाम लेकर उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा और तलाक के पेपर भी भिजवा दूंगा। तुम शौक से उससे शादी करना और खुश रहना। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और पहली बार उसके लिए मेरी भावनाएं बदलने लगी थी। लेकिन मैं होश में आई और सारी बात दीपक को बताई। वो भी बहुत खुश हुआ और बोला, तुम शहर आ जाओ और अपने पति से तलाक ले लो। पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने भी हाँ बोल दिया और 2-3 दिन बाद सूरज के साथ दीपक के बताए एड्रेस पर पहुँच गई और सूरज से बोली, अब तुम जाओ और मुझे तलाक के पेपर भिजवा देना। मेरा और तुम्हारा अब कोई रिश्ता नहीं है, मैं दीपक से शादी कर लूँगी। वो बोला, 1-2 दिन में मैं इसी एड्रेस पर तलाक के पेपर भिजवा दूंगा, और वो वहाँ से चला गया। मैंने दीपक के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो दरवाज़ा दीपक ने ही खोला। मुझे देख कर वो खुश हो गया। मैं घर के अंदर आ गई। घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, जबकि उसने मुझे बोला था कि मैंने घर में सबको बता दिया है। मैंने खाली घर को देखकर उससे पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। उसने बोला, कमरे के अंदर आओ, बैठकर बातें करते हैं। हमने बहुत सारी बातें की और उसने मेरे साथ अपनी फ़ोटो भी ली और किसी को सेंड करने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि किसको भेज रहे हो, तो
तो बोला तुम्हारे देवर को, और ये बोलकर नहाने चला गया। कुछ देर बाद उसके फोन पर उसी नंबर से वापस मैसेज आया। मैंने देखा तो लिखा था, लड़की तो लाजवाब है पर मैं इसकी कीमत 2 लाख रुपए दूंगा। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इससे पहले कुछ अनर्थ होता मैं वहां से भाग गई और रोते रोते अपने ससुराल पहुंच गई। मुझे घर देखकर सूरज चौंक गया और बोला कि अब क्या हुआ, बोल तो दिया था कि पेपर भिजवा दूंगा, अब यहाँ क्या लेने आई हो। मैंने उसको ना चाहते हुए भी सारी बात बताई। उसने सारी बात सुनी और कुछ नहीं बोला। मैं उसके सामने अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। वो हमेशा की तरह अपनी चादर नीचे बिछाकर सो गया, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आई। मैं सारी रात रोती रही और सूरज के साथ किया गया गंदा व्यवहार मुझे बहुत एहसास दिला रहा था। और कुछ देर बाद दीपक का फोन आया। मैंने कॉल नहीं उठाया और उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। कुछ देर बाद सुबह हो गई तो मैंने देखा कि सूरज अपने बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि रात में मैंने सोच लिया था कि सुबह उठते ही सूरज से माफ़ी मांगूंगी और उसे अपना लूंगी, क्योंकि उससे ज़्यादा मोहब्बत और खुश मुझे कोई और नहीं रख सकता। ये बात मुझे समझ में आ गई थी, क्योंकि व्यक्ति की खूबसूरती उसके अच्छे व्यवहार से ही होती है, और मेरे सूरज का व्यवहार बहुत ज़्यादा अच्छा था। शाम हुई तो सूरज घर आया। मैंने सूरज से माफ़ी मांगी, मैं बहुत रोई, लेकिन सूरज ने मुझे कुछ नहीं बोला और कुछ पेपर दिया और कहा कि इन्हें पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने उससे कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई तलाक नहीं चाहिए, मुझे अब हमेशा तुम्हारे साथ रहना है। लेकिन उसने कुछ नहीं बोला और वो चला गया। मैं रोती रही और सोचा रात में फिर से माफ़ी मांगूंगी। और वो कुछ देर बाद रूम में आया और अपनी चादर उठाकर नीचे सोने लगा। मैंने उसे रोका और बोला आपकी जगह वो नहीं है, आपकी जगह ऊपर बेड पर है। और मैं सूरज के पैरों में गिरकर रोने लगी और बोली मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे डांट लो गुस्सा कर लो लेकिन मुझे माफ़ कर दो। उसने मुझे उठाया और बोला कि वो पेपर अगर तुम पढ़ लेती तो ऐसे नहीं रोती। मैं बेड पर रखे पेपर उठाई और देखा तो वो जमीन के पेपर थे, जिन पर कुछ जमीन सूरज मेरे नाम कर रहा था और कुछ अपनी माँ के। ये देखकर मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं सन्न रह गई। कोई व्यक्ति इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे यह देखकर शौक भी लगा कि सूरज अपनी जमीन मेरे नाम क्यों कर रहा है। मैंने उससे पूछा तो वो बोले कि कल शहर किसी काम से जा रहा हूँ, आकर सब कुछ बता दूंगा। उसने मुझसे उन पेपर पर साइन करा लिया और सुबह शहर चला गया। मैंने 2-3 दिन बड़ी बेसब्री से सूरज का इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आया। और 4th दिन उसका एक दोस्त उसके मृतक शरीर को घर लेकर आया। ये देखकर घर में कोहराम मच गया। मैं तो ये देखकर बेहोश ही हो गई, क्योंकि मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ देर बाद जब मुझे होश आया, मैं खूब जोर जोर से रोने लगी। और उसके दोस्त ने बताया कि सूरज को 2 महीना पहले ही पता लगा कि उसे कैंसर है। पिछले कुछ दिनों से न जाने उसे अंदर ही अंदर क्या खाया जा रही थी, जिससे वो इतनी बड़ी बीमारी का शिकार हो गया और हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। ये सुनकर मुझे और भी झटका लगा, क्योंकि ये सब शायद मेरी वजह से ही हुआ था। 2-3 दिन बाद मुझे थोड़ा होश आया तो मेरी सास ने मुझे एक लेटर दिया और कहा ये सूरज के दोस्त ने दिया है, उसे सूरज ने दिया था और तुम्हें देने को बोला था। मैंने उनसे बोला कि मम्मी जी सूरज तो अनपढ़ था, फिर लेटर कैसे लिखा। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो बहुत पढ़ा लिखा था, तुम्हें कभी उसने बताया नहीं। मैं चुप रह गई, क्योंकि मैंने कभी सूरज से उसके बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी। मैं भागकर कमरे में गई और उस लेटर को पढ़ने लगी। सपना, जब मैंने शादी के दिन तुम्हें देखा तो तुम दुल्हन बनी बहुत सुंदर लग रही थी, उस वक्त ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। और हाँ, मैं एक पढ़ा लिखा लड़का था, चाहता तो कोई भी अच्छी जॉब कर लेता, लेकिन मेरे पापा ने मुझे खेती करना सिखाया
और उन्हीं खेतों में आखिरी सांस ली और मुझसे वादा लिया था कि तुम इस जमीन को कभी बंजर नहीं होने दोगे, जिस वजह से मैं खेती करता हूँ। लेकिन जब शादी की रात तुमने मुझे बोला कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, तो मैं पूरी तरह टूट गया। मैंने कभी आंसू नहीं बहाए थे, लेकिन जब तुम अपने प्रेमी से बातें करती, ऐसी बातें जिन पर तुम्हारे पति होने के कारण सिर्फ मेरा अधिकार था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती और मेरा दिल टूट जाता और मैं खून के आंसू रोता था। इसीलिए शायद मुझे ये बीमारी हो गई। और जब मुझे पता लगा तो मैंने अपने हिस्से की कुछ जमीन तुम्हारे नाम कर दी, ताकि तुम्हें बाद में कोई कठिनाई ना हो। और हाँ, अब तुम आजाद हो, तुम जिससे चाहो शादी कर सकती हो। ये पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा रोई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, मैंने इतने अच्छे पति को खो दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।